नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्यक स्टाइल टिप्स में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि सूट में यंग कैसा दिखे, उसके डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल टिप्स मैं आपके सामने लेके आई हूँ। तो वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखना। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फिर स्टाइल नंबर 5 रहेगा, अवॉइड बिग प्रिंट्स। अगर आप भी थोड़ा सा यंग दिखना चाहती हैं सूट में, तो बिग प्रिंट्स को अवॉइड करिएगा, उसकी बजाय आप स्मॉल प्रिंट्स को लीजिएगा। एंड देन बिग प्रिंट्स में हम थोड़ा सा बल्की नज़र आते हैं, थोड़ा सा फैटी नज़र आते हैं, जिससे कि थोड़ी सी आपकी हाइट भी कम लगेगी एंड देन आपकी एज भी ज़्यादा लगेगी। तो उसके लिए कंसिडर करिएगा कि स्मॉल प्रिंट्स, स्मॉल प्रिंट्स से हम थोड़े से पतले भी नज़र आएंगे और थोड़ी सी आपकी हाइट इंक्रीज़ भी होगी और थोड़े से यंग भी दिखेंगे आप। स्टाइल नंबर 4 रहेगा दुपट्टा ड्रेपिंग स्टाइल। दुपट्टा ड्रेपिंग स्टाइल भी बहुत इफेक्ट करते हैं आपको थोड़ा सा यंग दिखाने में। अब ऐसे दुपट्टा ड्रेपिंग मत पहनिएगा, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स होती है कि अब नॉर्मली हम ऐसे ही पहन लेते हैं कि जैसे कि हमें दुपट्टा पसंद नहीं या दुपट्टे में हम एहसान कर रहे हैं। तो ऐसा मत पहनिएगा, कि एकदम एलिगेंट तरीके से पहनिएगा, जिससे कि आपके थोड़ा सा हाइट भी इंक्रीज़ हो जाए और डिफरेंट डिफरेंट ड्रेपिंग स्टाइल से आप थोड़े से यंग भी दिखें। सो हमारे स्टाइल नंबर 3 रहेगी हाईलाइट वेस्ट। आप अपनी जो वेस्ट, जो कमर है, उसको हाईलाइट करिए। जितना आप हाईलाइट करेंगे उतने ही आप यंग दिखेंगे, चाहे वो प्रिंटेड स्टाइल पे हो चाहे वो प्लेन स्टाइल में। जितना आप हाई वेस्ट जो भी होता है आपका, उसको आप इन्हेंस करेंगे ना, थोड़े से आप यंग दिखेंगे। तो उसकी बजाय अगर आप थोड़े से, जैसे मान के चलिए, बहुत सारी गर्ल्स ये होती है कि हम जितना अपना हाई वेस्ट को अगर इंक्रीज़ करेंगे, तो उसकी बजाय हमारा अगर टमी फैट है तो वो दिखेगा और थोड़ा सा वो बढ़ेगा तो हम उससे मोटे नज़र आएंगे। तो आप ये वाला पैटर्न आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें कि आपका टर्मी फैट भी नहीं दिखेगा और थोड़े से आप यंग भी दिखेंगे। स्टाइल नंबर 1 रहेगा फुटवेयर। फुटवेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमें यंग दिखाने में। मोस्ट ऑफ़ दी गर्ल्स सूट में बहुत ज़्यादा मिस्टेक करती है फुटवेयर को, जो भी हाथ होता है या जो भी आपके पास अवेलेबल होता है उसको ही पहन लेती है। पर सही सूट के साथ सही फुटवेयर यूज़ करिएगा, कि उससे भी बहुत इफेक्ट रोल प्ले करता है। कि आप नॉर्मली जो हम कैजुअल वेयर में करते हैं, जो नॉर्मली शूज़ एंड सैंडल्स करते हैं, उसके बजाय आप सूट की जगह आप जूतियाँ ट्राई करिए, उससे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, कैसे लगी वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप भी मेरे चैनल पर न्यू हैं या इससे रिलेटेड कोई भी वीडियोस देखना चाहते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।